अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो इस चैप्टर के अंदर हम अल्कोहल के बारे में समझेंगे, और जो आपका अल्कोहल के जो सदस्य हैं, जैसे मैथिल अल्कोहल, आपका एथिल अल्कोहल, इनके बनाने की विधि भी हम सीखेंगे। और आपका अगला है आपका फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह होता है। फ़र्क क्या है दोनों में? जो आपका अल्कोहल है वो होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और फिनॉल होता है एरोमेटिक यानी बेंजीन समूह के ऊपर। अगर बेंजीन का जो रिंग आपने देखा होगा C6H6, उसका फॉर्मूला होता है, उस पर अगर हम एक H को हटा के OH लगा दें तो आपका होता है फिनॉल। और अगला आपका है ईथर। तो ईथर में हम देखेंगे, ईथर का जो होता है आपका जो समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ईथर का मैं आपको बता दूं, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि हम पहले ही इससे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर किसी ने ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसे वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको अल्कोहल की बेसिक नॉलेज देंगे। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अल्कोहल होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला अल्कोहल क्या है उसकी परिभाषा देख लीजिए। वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोक्सिल मतलब जो आपका OH समूह है द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। बात समझिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एलिफैटिक क्या होता है, एलिफैटिक और हाइड्रोकार्बन ये होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन का तो मतलब ये होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। एथिलीन, एसिटिलीन, सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं, एलिफैटिक क्या होते हैं? एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सीधी श्रृंखला में चलते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यदि हम उनको जलाएं तो वो सफ़ेद धुएं के साथ जलते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं आपके, जो चक्रीय यौगिक होते हैं, जैसे बेंजीन, वो वाले जो यौगिक होते हैं जिसमें आता है आपका फिनॉल, इनको अगर आप जलाएंगे तो एक काले धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है ना। तो ये पहचान है इनकी, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो जो आपके सफ़ेद धुएं के साथ जलते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो जो काले धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी बेसिक नॉलेज। और इसमें मैं बता दूं तो एलिफैटिक जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं उनमें जो एक H है उसको हटा के उसकी जगह पे एक हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह अगर हम लगा दें तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल। तो देखिए, उदाहरण दे रखा है इसमें, देखिए मैथेन है आपका, ये क्या है? मैथेन, ये आपका ये है एक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एक हाइड्रोजन कम करो तो CH4 में एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या बचा? CH3। और उसकी जगह पे आप लगा दोगे क्या? OH। तो क्या बन गया आपका? CH3OH। तो ये क्या बन गया आपका? मैथिल अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, एथेन, तो एथेन में से एक H कम खत्म करो तो क्या बन गया? C2H5। और आप OH लगा दो तो C2H5OH, तो क्या बन गया आपका? एथिल अल्कोहल। तो इन दोनों की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे। देखिए आगे क्या है आपका, ये एथेन क्या है? एथेन। तो मैंने दोबारा दूसरे तरीके से लिखा है, यहाँ भी आपका एथेन है और ये क्या है आपका? एथेन। लेकिन इसमें, इस वाले में से भी एक एच ख़त्म करो CH2 बचा, इसमें से भी एक एच ख़त्म करो CH2 बचा, और इनकी जगह पे क्या जोड़ दो? OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह। तो क्या बन गया? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो क्या बन गया आपका? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है।
तो ये होते हैं आपके अल्कोहल, जो हाइड्रोकार्बन में एक एच कम करके, एक एच को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल यानी ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच लग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण के अंदर पहला देखिए, जो ओ एच आपके होते हैं सिंगल बॉन्ड ओ एच, उनकी संख्या के आधार पर, ठीक है, कितने तरह के होते हैं आपके अल्कोहल। पहला देखिए, पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, देखिए, एक ओ एच समूह, इन कार्बनिक यौगिकों के अंदर आपका एक ओ एच समूह होगा, सिंगल एक ओ एच, तो इनको क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उदाहरण देखिए, CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल, CH3CH2OH यानी आपका एथिल अल्कोहल, और आपका ये देखिए CH3CH2CH2OH यानी आपका प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो जिसमें एक OH समूह होता है वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट आपका है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाई का मतलब आप देख के ही समझ गए होगे, यानी दो, डाईहाइड्रिक आ गया, हमने दे भी रखा है दो ओ एच समूह, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर आपके कितने होंगे, दो ओ एच समूह होंगे। एग्जांपल देखिए आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या है ये, एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये किसका एग्जांपल है आपका, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, क्योंकि इसके अंदर दो ओ एच समूह उपस्थित हैं आपके। और इसका IUPAC नाम बनाएंगे, देखना दो कार्बन है तो क्या बनेगा, एथेन, और एक कार्बन और दो कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, ऑल, तो क्या बनेगा, एथेन 1.2 डाइओल, ये आपका क्या बन गया, IUPAC नाम। नेक्स्ट देखिए इसका, देखिए क्या है ये, इसका नाम है देखना प्रोपिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि देखो इस CH इसके अंत पे आपका एक OH जुड़ा हुआ है, इस पे आपका एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, देखो कार्बन गिनिए जरा, एक दो और आपका ये तीन, तो क्या बना, देखो प्रोपेन, तीन पे क्या बनता है, प्रोपेन, और पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे आपके क्या जुड़े हुए हैं, ओल, तो दो ओल हो गए, तो डाईओल, तो प्रोपेन 1.2 डाईओल, ये क्या बन गया, इसका IUPAC नाम बन गया। देखिए नंबर तीन, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये कौन से होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, कुछ नहीं, बहुत आसान है, तीन OH समूह होते हैं इनके अंदर, कितने होते हैं, तीन हाइड्रोक्सिल समूह। एग्जांपल देख लीजिए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, आम भाषा में इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, तो इसमें कितने OH हैं आपके, तीन OH हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका IUPAC नाम देखना, गिनिए, एक दो आपका तीन, तो 1, 2, 3, तो देखिए, तो तीन पे क्या बनता है आपका, प्रोपेन, और 1.2.3 क्या जुड़े हुए हैं तीनों पे, ऑल, तो ट्राई ऑल, तीन है ना ऑल, तो प्रोपेन 1.2.3 ट्राईओल, ये बन गया क्या आपका IUPAC नाम। तो नेक्स्ट आप देखिए, जो आपके OH समूह की गिनती के अकॉर्डिंग जो आपके अल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। तो अगला है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इनका क्या है, देखिए तीन अल्कोहल समूह तक हमने समझ लिए, एक होता है तो मोनोहाइड्रिक, दो होते हैं तो डाईहाइड्रिक, तीन होते हैं तो ट्राईहाइड्रिक, लेकिन अगर तीन से ज़्यादा OH समूह हो तो इनको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, समझ गए। तो इसका एक एग्जांपल हमने दे भी रखा है आपका, देखिए ये रहा कितने जुड़े हुए हैं, देखना इसमें वहाँ एक पूरी गिनती दी हुई, 6 अल्कोहल जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक, क्योंकि इसमें तीन से ज़्यादा अल्कोहल हैं। तो इसका नाम क्या है, देखना इसका नाम है सार्बिटॉल, जो आपका फार्मूला ऊपर लिख रहा है, तो इसका अगर हम IUPAC नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, हेक्सेन, क्योंकि C6 क्या होता है, हेक्सेन, और देखना 1 से लेकर 6 तक क्या जुड़े हुए हैं, हेक्सा ऑल, हेक्सा मतलब 6 ऑल जुड़े हुए हैं, तो IUPAC नाम बना हेक्सेन 1.2.3.4.5.6 हेक्सा ऑल।
तो ये तो हो गए आपके जो आपके OH समूह है उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके अल्कोहल। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका जो आपका OH समूह है, ये जो OH समूह वाले कार्बन पर जो परमाणु है आपका उसकी संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर मतलब क्या है इस बात का कि जो आपका OH समूह है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन संतृप्त है कि असंतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन उस कार्बन के साथ में जो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ में, ठीक है ना। और अगर डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़े हुए होते हैं और आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़े हुए होते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला देखना, पहला क्या है आपका एल्केनॉल। तो एल्केनॉल कैसे बनेगा, जब आपका जो आपका कार्बन है यानी वो कार्बन जिससे क्या जुड़ा हुआ है आपका OH समूह, इस कार्बन के साथ में जो आपका दूसरा कार्बन है उसके बीच में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे एल्कोहल आपको कहलाएंगे एल्केनॉल, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, ये H3C सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो एथेनॉल इसका IUPAC नाम है, संरचना ये रही आपकी, ठीक है। देखिए अगला, अगर ऐसे C के साथ में डबल बॉन्ड C हो जाए, क्या हो जाए डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, तो क्या हो जाएगा आपका एल्कीनॉल। तो देखिए इसमें जो आपका ये OH समूह जुड़ा हुआ है इसके साथ में जो आपका C है उसके साथ में जो आपका दूसरा C है बीच में किस कितने बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड के साथ में, तो क्या बना आपका ये एल्कीनॉल। तो देखिए कि H2C उदाहरण देखिए, डबल बॉन्ड CHOH, तो इसको बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल। IUPAC नाम देख लीजिए, तो एथ तो बनेगा ही, दो पे एथ, वन इन वन ऑल, या ऐसे बोल सकते हैं एथिनॉल, एथिनॉल भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमने थोड़ा तोड़ के लिख दिया। नेक्स्ट आप चलिए, नेक्स्ट है आपका एल्काइनॉल। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन है जो OH के साथ जुड़ा हुआ है वो दूसरे कार्बन के साथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो आपका क्या होगा एल्काइनॉल। तो समझिए इसका एग्जांपल उदाहरण, तो इसका क्या नाम है देखना, एथाइनॉल। IUPAC नाम क्या है इसका, एथाइनॉल। इसको और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम एथेन, वन आइन वन ऑल। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं अगर हम देखें कि जो आपका OH है उसका जो कार्बन है OH के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है तो एल्केनॉल, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है एल्कीनॉल, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है तो एल्काइनॉल होता है। अब देखना ये क्या है, OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। जो OH आपका समूह है उसकी प्रकृति समझना, इस बात को जरा ध्यान से समझना। OH समूह तो जुड़ा हुआ मिलेगा ही आपको, कितने OH समूह जुड़े मिलेंगे, एक OH समूह जुड़ा हुआ मिलेगा। जो कार्बन परमाणु जो मिलेगा, कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला मिलेंगी वो बदलेंगी, ठीक है ना। पहले एक श्रृंखला, फिर दो कार्बनिक श्रृंखला, फिर तीन कार्बनिक श्रृंखला। तो पहले जिसमें एक कार्बनिक श्रृंखला होती है उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। देखना R क्या है इसमें, आपकी पहली कार्बनिक श्रृंखला, तो CH2OH, तो ये कैसे हैं आपके प्राथमिक एल्कोहल। तो आयु इसका देखिए उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखिए क्या है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या नाम है इसका एथिल एल्कोहल, तो इसका IUPAC नाम क्या है एथेनॉल। तो देखिए एक ही कार्बनिक श्रृंखला है जो OH से जुड़ी हुई है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या है देखना एन प्रोपिल एल्कोहल, इसका IUPAC नाम क्या है प्रोपेनॉल। तो ये क्या है प्राथमिक एल्कोहल, जिनका सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CH2OH। नेक्स्ट देखिए द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल का मतलब समझ गए होंगे दो, तो इसके अंदर क्या होंगे दो कार्बनिक श्रृंखलाएं होंगी, जैसे R R और R डैश, क्या है ये
आर और आर डैश और आपका ये सी एच और ओ एच, जैसे सी एच टू ओ एच है तो एक एच कम हो जाएगा क्योंकि एक आर और जुड़ गया, तो क्या बनेगा सी एच ओ एच। एग्जाम्पल देखिए, एच थ्री सी सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच सिंगल बॉन्ड एच थ्री सी, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आई यू पी एस सी नाम क्या बनेगा देखना, वन टू और आपका ये थ्री, तो अब क्या बना देखना, तो प्रोपेन तीन पे क्या बना प्रोपेन, और दो पे क्या जुड़ा हुआ है आपका ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल, सिंपल। नेक्स्ट आप देखिए तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल इसमें क्या होंगे, देखो तीन जो कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं आपकी यानी एल्किल समूह जो मिलेंगे वो आपको तीन मिलेंगे, देखिए आर आर डैश और आर डबल डैश, और उसके साथ में क्या मिलेगा सी ओ एच यानी ओ एच समूह एक मिलेगा। तो देखिए अगला क्या है आपका, एच थ्री सी सिंगल बॉन्ड सी के साथ में एच थ्री सी जुड़ा हुआ और उसके बाद एच थ्री सी, यानी तीन कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं और साथ में आपका सी और आपका ओ एच, तो क्या बना इसका देखना, आई यू पी एस सी नाम इसका जो नाम है साधारण नाम वो है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, क्या है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और आई यू पी एस सी नाम क्या बनेगा देखना, दो पे क्या जुड़ा हुआ आपका अल्कोहल, तो देखना दो कार्बन जब हम गिनेंगे तो दो पे क्या है एक मैथिल और जुड़ा हुआ है एच थ्री सी, जिसको सी एच थ्री भी लिख सकते हैं, तो दो मैथिल प्रोपेन और क्या है दो पे क्या जुड़ा हुआ है आपका अल्कोहल समूह ऑल, तो दो मैथिल प्रोपेन दो ऑल, तो ये क्या बन गया आपका आई यू पी एस सी नाम। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, तभी तो हमारी हर वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।